दोस्तों चाहे कुछ भी हो जाए, भूल कर भी ऐसी तीन महिलाएं नवरात्रि का व्रत कभी ना रखें। माता रानी ऐसी महिला से कभी खुश नहीं होती, इसीलिए आप भी जान लीजिए कहीं आप इन तीन महिलाओं में से तो नहीं। दोस्तों शारदीय नवरात्रि 2022 शक्ति की आराधना का पर्व शारदीय नवरात्रि 26 सितंबर 2022 से शुरू हो रहे हैं। इसका समापन 5 अक्टूबर 2022 को होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि में शारदीय नवरात्रि आरंभ हो जाती है। 9 दिन तक चलने वाली शारदीय नवरात्रि में देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है और दशम तिथि के दिन दशहरा मनाया जाता है। नवरात्रि के पहले दिन शुभ मुहूर्त में घट स्थापना का विधान है। शुभ मुहूर्त में माँ दुर्गा की पूजा अर्चना से विशेष फल प्राप्त होते हैं। आइए जानते हैं घट स्थापना मुहूर्त और विधि के बारे में। दोस्तों शारदीय नवरात्रि 26 सितंबर से 5 अक्टूबर तक अश्विनी शुक्ल पक्ष प्रतिपदा प्रारंभ 26 सितंबर 2022 सुबह 3:24 तक, अश्विनी शुक्ल पक्ष प्रतिपदा समापन 27 सितंबर 2022 सुबह 3:08, अभिजीत मुहूर्त 26 सितंबर सुबह 11:54 से दोपहर 12:42 तक, घट स्थापना मुहूर्त 26 सितंबर 2022 सुबह 6:20 से लेकर 10:19 तक। दोस्तों नवरात्रि में घट स्थापना की विधि क्या है? नवरात्रि में देवी की पूजा का फल दोस्तों तभी मिलता है जब नियमों का ध्यान रखा जाए। नवरात्रि के पहले दिन शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना करें। कलश स्थापना के लिए एक मिट्टी के पात्र में पवित्र मिट्टी रखें और उसमें जौ बोएं। पूजा स्थान या ईशान कोण में कलश स्थापन कर शुभ मानी जाती है। यहाँ गंगा जल छिड़क कर साफ सफाई कर लें। पूजा की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं, इस पर माँ दुर्गा की तस्वीर स्थापित करें। एक तांबे या मिट्टी के कलश में गंगा जल या स्वच्छ जल भर के उसमें सिक्का, अक्षत, सुपारी, लौंग का जोड़ा, दुर्वा घास डालें। कलश के मुख पर मौली बांधें। एक नारियल पर लाल चुनरी को मौली से बांधें। कलश में आम के पत्ते लगाकर उस पर नारियल रख दें। अब जौ वाले पात्र और कलश को माँ दुर्गा की फोटो के दाईं ओर स्थापित कर दें। कलश स्थापना पूरी कर माँ जगदम्बा की पूजा अर्चना करें। दोस्तों शारदीय नवरात्रि 2022 तिथि दिन के अनुसार इस प्रकार है। 26 सितंबर 2022 माँ शैलपुत्री पहला दिन होगा। 27 सितंबर 2022 माँ ब्रह्मचारिणी दूसरा दिन। 28 सितंबर 2022 माँ चंद्रघंटा तीसरा दिन। 29 सितंबर 2022 माँ कुशमांडा चौथा दिन। 30 सितंबर 2022 माँ सकंद माता पांचवा दिन। 1 अक्टूबर 2022 माँ कात्यायनी छठा दिन। 2 अक्टूबर 2022 माँ कालरात्रि सातवा दिन। 3 अक्टूबर 2022 माँ महागौरी आठवा दिन। 4 अक्टूबर 2022 हानवमी नौवा दिन। शरद नवरात्र व्रत पारण। दोस्तों 5 अक्टूबर 2022 को दशहरा मनाया जाएगा। माँ दुर्गा का विसर्जन और दशम तिथि 5 अक्टूबर 2022 को होगी। दोस्तों इन दिनों माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। इस बार माता रानी नवरात्रि में डोली पर सवार होकर अपने भक्तों के घर आएंगी। नवरात्रि के पावन अवसर पर माँ दुर्गा को प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ये समय सर्वरोपरी है, क्योंकि ये समय अति उत्तम है, बहुत ही खास माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जो इस व्रत को ना ही रखे तो अच्छा है। मान्यताओं के अनुसार आज हम जिन महिलाओं के बारे में बात करने वाले हैं, उन्हें नवरात्रि के व्रत से हमेशा दूर रहना चाहिए, नहीं तो माता आपसे क्रोधित हो सकती हैं। आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है, आपका पति किसी संकट में आ सकता है। दोस्तों नंबर 1, तलाकशुदा महिला। शास्त्रों के अनुसार शादीशुदा महिला या पुरुष नवरात्रि का व्रत कभी ना रखें। ऐसा करने से देवी खुश नहीं होती। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शादी 2 दिलों का बंधन है, जिस बंधन में आजीवन रहना होता है, ना कि अलग अलग। माता रानी टूटे हुए जोड़े को स्वीकार नहीं करती। टूटे हुए जोड़े का व्रत रखना, पूजा पाठ करना शुभ नहीं माना जाता, बल्कि माता रानी तब प्रसन्न होती हैं जब आप बंधन में हो। खास तौर से पति पत्नी अगर व्रत रखें तो माता रानी सबसे अधिक प्रसन्न होती हैं और देती हैं वरदान। ऐसे में शेरावाली माता बहुत प्रसन्न होती हैं, इसीलिए दोनों को मिलकर पूजा पाठ करनी चाहिए, ना कि अलग अलग। दोस्तों नंबर 2, एक वैश्य को नवरात्रि का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए और ना ही करवा चौथ का व्रत। जब व्यक्ति के शरीर की पवित्रता खत्म हो जाती है तब वो मैला ही नहीं बल्कि पापी भी कहलाता है, इसीलिए आपकी पूजा कभी सफल ही नहीं हो सकती। ये व्रत आप कभी ना रखें।
नंबर 3, अगर आपको कोई घातक बीमारी है तो आप इस व्रत को ना रखें। जैसे उदाहरण के तौर पर शुगर की बीमारी, दिल की बीमारी, शरीर में कमजोरी होना, चक्कर आना, बीपी का बढ़ जाना, शरीर में दर्द होना वगैरह, तो ये समस्याएं हैं तो आप ये व्रत कभी ना रखें, तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है, इसीलिए आप सावधान रहें। दोस्तों, इसके अलावा अगर आप किसी भी व्रत को दिखावे के तौर पर अपनाते हैं तो शास्त्रों के अनुसार ये घोर पाप माना गया है। ऐसा करने से आप देवताओं का मजाक ही नहीं उड़ाते बल्कि आप आपके भागीदार भी बनते हैं। देवी माँ भी ऐसे लोगों से प्रसन्न नहीं होती बल्कि उनको बर्बाद कर देती हैं। दोस्तों, भूल कर भी माता रानी को ये चीज़ें अर्पित ना करें। जैसे कि नंबर 1, नारियल। हिंदू धर्म में नारियल को समृद्धि, धन, श्रद्धा और सम्मान का सूचक माना गया है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। नारियल को सुख समृद्धि में वृद्धि करने वाला माना जाता है। नारियल का हर मांगलिक कार्य में विशेष महत्व होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माता रानी के कई मंदिरों में नारियल से बलि भी दी जाती है और माता रानी के पूजन में नारियल का इस्तेमाल हम सभी करते हैं। खासकर कलश की स्थापना नारियल रखकर ही की जाती है। माता रानी के पूजन में हम नारियल इस्तेमाल करते समय कुछ गलतियां कर बैठते हैं। दोस्तों, नारियल का पूर्ण होना अति आवश्यक है। नारियल का चटका हुआ या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए क्योंकि साबुत नारियल ही पूर्ण और पवित्रता का प्रतीक होता है। साबुत नारियल ही सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। साबुत नारियल को ही श्रीफल यानी कि माँ लक्ष्मी का फल भी कहा जाता है। नवरात्रि में माता रानी के कलश की स्थापना करते समय जटा वाला यानी पानी वाला नारियल ही कलश पर स्थापित करना चाहिए। साथ ही ये ध्यान रखना चाहिए कि नारियल को सदैव कलश के ऊपर लिटाकर रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार कलश के ऊपर जब सही तरीके से और सही प्रकार का नारियल रखा जाता है तभी व्रत और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। ये भी ध्यान रहे कि महिलाएं माता रानी को नारियल अर्पित तो कर सकती हैं लेकिन कभी भी माता रानी के सामने नारियल को भूल कर भी न तोड़ें, क्योंकि नारियल बीज रूप होता है और स्त्रियां बीज रूप से ही शिशु को जन्म देती हैं, इसीलिए कभी भी महिलाओं को नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। दोस्तों, नंबर 2, लौंग। लौंग हम सभी माता रानी के पूजा में इस्तेमाल करते हैं लेकिन लौंग का इस्तेमाल करते समय एक बहुत बड़ी गलती हम अक्सर कर बैठते हैं। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि माता रानी को सदैव फूल वाली लौंग ही अर्पित करनी चाहिए। जिस लौंग के ऊपर फूल नहीं होता या फिर जिस लौंग के पीछे लकड़ी की डंडी नहीं होती उसको आपको माता रानी के पूजन में भूल कर भी इस्तेमाल नहीं करना है। फूल वाले लौंगों को ही पूर्ण माना जाता है और माता रानी के पूजन में कोई भी अपूर्ण वस्तु, कोई भी खराब वस्तु या टूटे हुए अक्षत इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। इसीलिए सदा माता रानी के पूजन में फूल वाले लौंग का ही इस्तेमाल करें। दोस्तों, नंबर 3, तुलसी के पत्ते अर्पित नहीं करने चाहिए। माँ दुर्गा के पूजन में तुलसी पत्र का इस्तेमाल करना वर्जित माना गया है। तुलसी पत्र के अलावा आंवला भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए और दुर्वा भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए। दुर्वा भगवान श्री गणेश को अति प्रिय है। नवरात्रि में आप भगवान गणेश को दुर्वा घास अर्पित कर सकते हैं। माता रानी को सफ़ेद फूल भी अर्पित ना करें। माता रानी को सदैव लाल रंग के फूल ही अर्पित करने चाहिए। माता रानी को दोस्तों जो भी कुछ आप अर्पित कर रहे हैं उन्हें सूंघे नहीं। सूखे हुए फूल या गिरे हुए फूल या फिर मुरझाए हुए फूल माता रानी को अर्पित ना करें। दोस्तों, लाल रंग के फूल माता रानी को अति प्रिय है। खास करके माता रानी को गुड़हल और कमल के फूल अति प्रिय हैं, तो ये आप अर्पित ज़रूर करें। दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो में इतनी ही जानकारी। अगर आप भी माता रानी की कृपा पाना चाहते हैं तो पूरी श्रद्धा से कमेंट्स में ज़रूर लिखें जय माता दी, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।